कल पारसनाथ का दिवस 23 तारीख 23 बहुत मुश्किल में पड़ता है, ये भी सैकड़ों सालों के बाद नियोग है 23 में तीर्थंकर और तारीख भी 23। बहुत कठिन से तिथि तो मिल जाती है, श्रावण बदी सप्तमी सुधी है, सुधी श्रावण सुधी सप्तमी ये तो मिलती है, लेकिन तारीख नहीं मिलती, तारीख भी 23 तारीख। ये बहुत बड़ा एक अपने काम का ना सोने में सुहागा। तो कल का जो पारसनाथ दिवस है 23वें तीर्थंकर की 23वीं तारीख है, और लाड़ू भी कितने हैं 23, राशि भी कितनी है 23, मूल लाड़ू भी कितने का है, हाँ ये सब 23 23 23, और ये तो लकी नंबर कहलाता है। कल का हमारे लिए सबके लिए लकी नंबर है 23 का, और 23 का जो नंबर होता है अपने आप में वैसे ही 3 2 5 5 नंबर अपने आप बहुत महान होता है। तो कल ये आप कैलेंडर उठा के देखो, 100 साल का कैलेंडर हो गया, 23 तारीख को 23 में भगवान का मोक्ष कल्याणक कब पड़ा है, तो पड़ा है 23। कल सब उत्साह के साथ, कल सबको दिवाली का रूप देखना है, जैसे दिवाली को ही शाम से सब तैयारियां हो जाती हैं, सब सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, बच्चों को नहा धुला करके अच्छे कपड़े पहना करके बढ़िया शुद्ध कपड़ों के साथ पूरे परिवार के साथ घर से निर्माण लाड़ू लेके आओ, नहीं तो यहाँ व्यवस्था की होगी, और अपनी थालियों में 64 दीपक सजा के लाओ, 16 दीपक अपने अपने घर से लाओ, 16 दीपक। दिवाली और निर्माण भगवान पारसनाथ में कोनों में दोनों में अंतर एक कोई अंतर नहीं, वे 24वें थे और ये मोक्ष कल्याणक सबका वही मना जो दिवाली को मनाते। सभी लोग अपने अपने घरों से 16 दीपक ले लेंगे, 16 दीपक पे कलर कर लेना, उस पर हो सके तो 16 कारण भावनाएं लिख देना, ना लिख पाओ तो कोई बात नहीं, और 32 बातियां रखना, 32 बातियां रखना, 64 बाती बन जाएंगी उसकी, 2 बाती होती ना एक ऐसा रख देना, 64 बातियां बनाओ और 64 ज्योतियां यहाँ जलाओ, जब निर्माण लाड़ू चढ़े आपके हाथ में 64 थालियों 64 ज्योति का थाल हो, आपके आप अपने घर से लाइए 64 ज्योतियां जलती हुई थाल आपके हाथ में हो, और वो 64 थालियां भगवान के निर्माण कल्याणक पर, वो भगवान की 64 रिद्धियों का प्रतीक है, 64 रिद्धियों की अपन ज्योति जलाएंगे तो कुछ ना कुछ तो अंधेरा दूर होकर के प्रकाश आएगा। तो सभी महिला पुरुष अपने अपने परिवार से 16 दीपक 64 ज्योति यहाँ लाएंगे, जब निर्माण कांड पड़ा जाएगा तब वो आप जलाएंगे।